डियर स्टूडेंट्स, टॉपिक हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट्स इज गोइंग ऑन. इन लास्ट वीडियो वी हैव डिस्कस द डेफिनेशन ऑफ इट एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस. सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस, दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट of weak acids and strong base. Strong base. अब हम बात कर रहे हैं किसका, उसका जिसमें salt किससे बना होता है बेटा, weak acid and strong base. Like example of it is CH3COONa, sodium acetate. Sodium acetate. This is the example of salt which is made up of weak acid and strong base. How it is possible? Weak acid, that is CH3COOH, and strong base, that is NaOH, on react with each other and form salt and water CH3CONa and H2O. This is sodium acetate. Sodium acetate, and this is strong base. Strong base named as sodium hydroxide. Name is sodium hydroxide, and this is acetic acid. This is weak acid. Clear? अब होता क्या है, इसको जब हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे, व्हेन इट इज डिसॉल्व इन वाटर देन इट फॉर्म्स स्ट्रॉन्ग अमाउंट ऑफ OH नेगेटिव आयंस एंड सॉल्यूशन विल बी बेसिक इन नेचर. नंबर नेक्स्ट, सॉल्ट हाइड्रोलिसिस of salt of weak acid of salt of weak acid and weak base and weak base. So example of such type of salts are अमोनियम एसीटेट CH3CONH4 पॉजिटिव. नेम ऑफ दिस इज अमोनियम एसीटेट इज द एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट विच आर मेड अप ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस. एंड वी कैन राइट हियर when dissolved it in water, they undergo hydrolysis to a much greater extent. And the resulting solution may be neutral, acidic or basic. So we can write here alkaline, not basic. Alkaline is an appropriate word. Alkaline, depending upon the relative hydrolysis of the constituents, relative hydrolysis of the constituents cation and anion.
कैटाइंस एंड एनाइंस। मीन्स इसका सॉल्यूशन आपका क्या हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, एसिडिक भी हो सकता है एंड बेसिक भी हो सकता है। एंड लास्ट इज लास्ट टाइप ऑफ दैट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट। हाइड्रोलिसिस ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। एक ऐसा सॉल्ट सॉल्यूशन जिसमें स्ट्रॉन्ग एसिड हो और स्ट्रॉन्ग ही बेस हो, उनके लिए क्या कहा जाएगा? सच सॉल्ट्स डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस। सच सॉल्ट डू नॉट अंडरगो हाइड्रोलिसिस व्हेन डिजॉल्व इन वाटर। व्हेन डिजॉल्व्ड इन वाटर एंड देयर सॉल्यूशन एंड देयर सॉल्यूशंस आर न्यूट्रल एंड देयर सॉल्यूशंस आर न्यूट्रल। लाइक एग्जाम्पल इज NaCl। NaCl इज अ सॉल्ट विच आर मेड अप ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल।